हेलो एवरीवन, दिस साइड श्वेता मौर्य और मैं KGM में BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आई होप आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप ABVMU, KGMU, UPCNET यानी कि UPBSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो आपका फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं और आपकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो है 29 मई और जो आपका एग्ज़ाम है वो है 14 जून को। तो कुल मिला जुला के बस एक महीने आपके पास बचे हुए हैं, आप अपने फॉर्म को अच्छे से फिल कर लीजिएगा और फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान रखिएगा कि कोई गलती ना हो जिससे आपका जो फॉर्म है बाद में कैंसिल हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको लेके बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, तो उन सब टॉपिक को एक वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उनका वेटेज क्या है। तो देखो, इसके पहले मतलब 2023 तक ऐसा था कि जो एग्ज़ाम है उसमें आपके 6 सब्जेक्ट आते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, GK और नर्सिंग एप्टीट्यूड। और हर एक जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसके 40-40 क्वेश्चंस आते थे 40 मार्क्स के, एंड जो नर्सिंग एप्टीट्यूड GK और इंग्लिश उसके 20-20 क्वेश्चंस आते थे 20 मार्क्स के। बट अभी क्या हो गया है कि जो इस बार से नया पेपर आएगा उसमें आपका जो GK का सिलेबस है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है और जो GK के 20 क्वेश्चंस थे ना उसको इंग्लिश में इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब कि अब आपके सिर्फ 5 सब्जेक्ट बचते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, और हर सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है वो है 20%, यानी कि हर सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो देखो, अब आपके 5 सब्जेक्ट बची हैं, GK हट गया है, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि क्योंकि जो GK था ना उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, कितना भी पढ़ लो GK, कहीं से भी पढ़ लो, आप उसको कंप्लीट कभी नहीं कर सकते और पढ़ने में भी बहुत, याद करने में प्रॉब्लम होती थी, तो GK अब हट गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स बचते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, और सबके 40-40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के एक सब्जेक्ट से, और जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 200 मार्क्स के हैं। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की कि जो आपका पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो उस पर आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो उसमें आपका कोई भी मार्क्स घटेगा नहीं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है अगेन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में पता है क्या होता है, कभी कभी हम डाउट में रहते हैं कि ये क्वेश्चन हम करें या ना करें, क्योंकि अगर गलत हो जाएगा तो हमारा माइनस मार्क हो जाएगा। बट माइनस मार्किंग नहीं है तो इसमें जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, बल्कि जो नहीं आ रहा है उसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो गलत हुआ तो कोई बात नहीं, बट अगर सही होता है तो उसके आपको एक मार्क्स पूरे मिलेंगे, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेपर के मीडियम की कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कौन से मीडियम में होगा। तो 2023 तक ऐसा था कि जो आपका एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ इंग्लिश में होता था, लेकिन अभी जो इस बार एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश यानी कि बायलिंगुअल होगा, दोनों मीडियम में एग्ज़ाम होगा। ये भी यूपी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका जो सिलेक्शन है वो हिंदी और इंग्लिश इस चक्कर में रुक जाता था कि वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में हो रहा है तो उनका सिलेक्शन रुक जाता था। बट अभी ऐसा नहीं होगा, दोनों मीडियम में एग्ज़ाम हो रहा है, तो जिसकी जितनी एफिशिएंसी है, जितना जिसने पढ़ाई की है उस हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा। देन हम बात कर लेते हैं कि पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड, यानी कि उसको हम पेन और पेपर मोड भी कहते हैं, और इसमें आपको OMR फिल करनी होती है। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका ऑफलाइन मोड में होने वाला है। देन सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आपको लास्ट एक बताती हूँ कि जो आपका नोटिफिकेशन जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल लिखा हुआ है, यानी कि क्लास 12th ऐसा लिखा हुआ है,
तो सबका ये कन्फ्यूज़न है कि जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ 12th आएगा या 11th और 12th दोनों आएगा. मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा है, क्लास 12th लिखा है, तो सिर्फ क्लास 12th के क्वेश्चंस आएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल लिखा है. उस लेवल का मतलब ये है कि जो आपका एग्ज़ाम वो 11th और 12th दोनों क्लासेस से आएंगे. अगेन, किसी भी जो क्लास है उसका वेटेज नहीं है ऐसा कि 11th से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 12th से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे. नहीं, दोनों का वेटेज सेम है, आपको दोनों बराबर पढ़ने हैं और 11th और 12th दोनों से आएगा आपका जो पेपर. तो ओवरऑल हम समराइज़ करते हैं तो देखो, आपका जो जीके है वो हटाया गया है अभी आपके सिलेबस से, और टोटल 5 सब्जेक्ट्स बच रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड. और मतलब पूरा और एक सब्जेक्ट का 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के. देन अगेन, हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई. इसके पहले जो आपके एग्ज़ाम्स होते थे उसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता था, यानी कि 180 मिनट्स मिलते थे. 200 क्वेश्चन आते थे और 180 मिनट मिलते थे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए. लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आपका जो 20 मिनट है उसको बढ़ाया गया है, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 200 मिनट्स का हो गया. यानी कि 200 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मिनट आपको पूरा टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए. मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए पूरा आपको 1 मिनट मिलेगा. अब देखो, बायो ऐसे सब्जेक्ट है ना, कोई बायो हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, जिसमें आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट नहीं लगता है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ के आंसर दे देते हैं, तो 30 सेकंड मुश्किल से लगता है. तो जो आपके जो टाइम बचेंगे ना, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसको आप यूटिलाइज़ करिएगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में टाइम लग जाता है. तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है और आप अपने टाइम को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए. तो कुछ बातें हो गई, जैसे कि जीके हटाया गया है, पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा, और मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका एग्ज़ाम होगा. देन 11th और 12th दोनों क्लास से आपके जो एग्ज़ाम है PCB 11th और 12th दोनों से आएगी, और 200 मिनट्स यानी कि 20 मिनट बढ़ाया गया है, 3 घंटे और 20 मिनट का आपका पेपर होगा. तो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, अच्छे से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 महीने बचा हुआ है अभी आपके. तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन अभी भी 1 महीने का टाइम है. अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ठीक ठाक तैयार है तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 महीने में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छा कॉलेज पा सकते हैं. तो चलो, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो.